आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ लियाकतबाद की उस गली में जहाँ बरेसगीर के ज़माने से दो बिरयानियों की चल रही है जंग। एक तरफ है कादरी नली और एक तरफ है वसिया नली। तो हो जाए टक्कर का मुकाबला, आधा किलो जो है ना वो लेकर और ऐसी लेके आना के मजा आ जाए। स्टार्ट करते हैं बोटिंग। एक दो तीन चार पाँच। तो भाई आधा किलो में कितनी बोटियाँ? आधा किलो में भाई आई हैं तीन, दो पाँच बोटियाँ आई हैं। एक की दादा छोटी है। हाँ एक तो ऐसे ही देखते खत्म हो जाएगी। चावल देख लो आप, मुझे ये सेला चावल लग रहा है, मुझे सेला चावल लग रहा है क्योंकि ये है सेला चावल। मसाले वाला टेस्ट ठीक है, और चटपटी जो उसने हमने बोली थी वैसी चटपटी ला के दी उसने, जिस तरह हमने बोला था ना वैसे थोड़ी सी हमें कम लग रही है उसकी चटपटी ना, जिस तरह हमने बोला था उसको। बाकी ये है कि बोटी जो है वो देखते हैं कि भाई गली भी है या नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है कि बोटी की गली होनी चाहिए भाई। ओवरऑल सही है। इससे पहले मैंने तकरीबन दो तीन बार ये बिरयानी खाई है। अच्छा वो दो तीन बार मैं सच कहूँ तो मुझे इतना समझ नहीं आया था जायका, हो सकता है कि शायद मसाला उन्होंने सही से ऐड ना किया हो, लेकिन आज जो है ना जायका काफ़ी बेहतर है, मतलब इन्होंने इम्प्रूव किया है जायका। क्वांटिटी ठीक है, मसाला भी ऐसा है कि आराम से जो है अली भाई और मुझ जैसे दो बंदे इसको खा के गुजारा तो कर सकते हैं, कम अज़ कम गुजारा कर सकते हैं। यार अभी तो दाढ़ भी गीली हुई थी भाई। ऐसा क्या जादू है जो आप लोगों को यहाँ पे खींच लाता है? ऐसा क्या जादू है जो आप लोगों को यहाँ खींच ले आता भाई? एक तो बिरयानी और कराची वाले बिरयानी कहीं पे भी हो तो आपको पता है पहुँच जाते हैं, और बौसिया नली बिरयानी का तो नाम ही, और बीफ की बिरयानी बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। बिल्कुल सर, क्योंकि बड़ा मज़ेदार टेस्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है जी, बहुत मज़ा इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। हाँ फसी भाई आप कहाँ? चलो चलो कादरी नली में चलें, आओ आओ। ओ जबरदस्त जबरदस्त। अभी भाई बिरयानी लग रही है तुम्हारी? रवाद यहाँ की बिरयानी में ना वो रवाद बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कराची मंगवाएंगे? हाँ ये बता कितनी लगा है? एक काम कर मेरे लिए पूरी देह लगा दे यार, देख एक सिंगल बिरयानी एक सिंगल पुलाव यार, ठीक है। ये मोहब्बत लेके आ गया हमारी मोहब्बत, पुलाव में बोटियाँ गिनते हैं भाई, एक दो और दो, सही है भाई पुलाव की बोटियाँ हैं दो, बिरयानी में है एक और दो, बिरयानी की भी हैं दो बोटियाँ। सबसे पहले जो है ना बिरयानी की बोटी ली है मैंने, और इसको बिरयानी ही के चावल के साथ चेक करना। अच्छा तो इसमें किया क्या है कि मैंने पुलाव और बिरयानी दोनों एक ही थाल में मंगवा ली, कि ज़रा जो है ना भरी भरी से लगे। बिरयानी का इतना औसम टेस्ट है यार, बेहतरीन टेस्ट है बिरयानी का। सबसे बड़ी बात मैं अच्छी तरह क्या लगी बिरयानी की, बिरयानी का चावल जो है ना इतना जायके वाला चावल है ना, आप चावल का टेस्ट करो फसले बिरयानी का, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है यार बिरयानी का चावल का जायका देखो आप यार, क्या बोलते हैं आप, बेहतरीन चावल है यार, बहुत अच्छा जायका है यार। कादरी नली बिरयानी का भाई फैन हो गया यार तेरा भाई, फैन हो गया यार। अली भाई जो है ना पुलाव के फैन नहीं है, तो इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि यार मुझे तो सारे पुलाव एक जैसे लगते हैं। अगर मैं पुलाव की बात करूं तो भाई पुलाव जो है ना अभी तक मुझे कराची में अतारी का सबसे ज़्यादा बेहतर लगा था, वैसे तो रईस का भी मशहूर है लेकिन मुझे वो इतना ख़ास अच्छा लगता नहीं है। अगर मुझे कोई दूसरा पसंद आया ना, आप मैंने एक ही चम्मच चेक किया इसका, तो अतारी के बाद जो है ना मुझे लगा है कि सबसे बेहतरीन पुलाव इस वक्त कराची में फिर ये बेच रहे हैं। अच्छा प्राइस इनके थोड़े हाई हैं जो बात है, लेकिन जो है जायका वाकई प्राइस में जायका भी अच्छा है।
दोबारा मंगा लेना भाई। मैं आपको एक बात बोलूँ, कादरी की मैं बिरयानी दोबारा मंगवाऊंगा, मेरा दिल आ गया बिरयानी में, मैं पहले बता रहा हूँ। मसाला जो है ना थोड़ा सा इनका हैवी होता है, मतलब ये भरपूर मसाला उसमें डालते हैं, तो चटपटा जो है ना वो चटपटापन बड़ा बेहतरीन है। मैं ऑडियंस को पता क्या बोलूँगा, ऑडियंस को ये बोलूँगा भाई आओ, मैं तो कह रहा हूँ रोज़ आओ, नहीं अगर रोज़ नहीं हो सकते हफ्ते में एक दफ़ा आओ, नहीं अगर हफ्ते में एक दफ़ा नहीं महीने में एक दफ़ा, लेकिन लाजमी आओ यार। कादरी की बिरयानी जो है ना अगली बार तुम कब आओगे? जी 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 आ रहा हूँ अगले हफ्ते फिर आऊँगा इंशाल्लाह। बिरयानी और पुलाव दोनों मिला के भी ना कोई नई नस्ल का जायका आ रहा है। जितना भी मुंह बना लो उतना खाना मैंने ही। फसी भाई ये आपकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी जर्दे वाली, आज पूरी होने जा रही है। आपने बोला था कि एक जर्दा हो जिसके ऊपर एक गुलाब जामुन हो और खोया हो, और खोया भी हो, और खोया खोया आप भी हो इसके अंदर, खोए खोया आप भी हो, सही है, जर्दा रंग हो, ठीक है, चावल हो, और अगर ये सब जो है ना इधर से हो गया ना, एक सेकंड, उस पाप में मैंने ये भी देखा था कि वो सारी चीजें मैं अकेले खाऊंगा, आप नहीं खाना, उसमें ऐसा हो कि प्लेट इधर से इधर आ जाए ना, आए हाय हाय क्या मजा आया यार। 150 रुपए का इन्होंने जर्दा दिया है और उसमें एक मिठाई खोया और थोड़ी सी ये रंग बिरंगी जो है ना जुलाबो है, जुलाबो इनको क्या बोलते हैं यार, मैं तो खोया हूं इसका, मैं इनका मैं नाम भी भूल गया हूँ, ये रंग बिरंगी इनको क्या बोलते हैं। दो मिनट में आप देखते जाए, मैं आपको सिर्फ नजरों से खत्म करके दिखाऊंगा, ये देखो अली भाई जो है मेहरान भाई के पास गए, वो भी इत्तेफाक से यहाँ पर आए। वालेकुम, हमारे साथ हैं मेहरान हाशमी और जानी मानी शख्सियत हैं ह्यूमैनिटेरियन चैनल के, और थैंक यू सो मच मेहरान भाई। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेहरान भाई आप ये बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं कादरी पे और आपने फूड को टेस्ट भी किया है, तो हमें इसके रिव्यू दें, कैसे लगी आपको? मैं अगर आपको करेक्ट बात बोलूँ तो मैं ये इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, यानी महीने में मैं 2-3 दफ़ा तो आ ही जाता हूँ यहाँ पे, और वन ऑफ द बेस्ट इन कराची, इतना ही कहूँगा मैं। कराची में ये जितने बेस्ट टॉप 5 में तो ये आता ही आता है, बिल्कुल आता है कराची में। कराची का आपको पता है कितना बड़ा है और कितनी बड़ी आबादी है, तो मेरे हिसाब से टॉप 5 में ये जरूर आएगी। मतलब इनके पास तो एक ऐसी क्वालिटी है कि ये फॉरेनर्स को भी खींचते हैं अपनी तरफ, तो हम तो हैं ही हैं लोकल ही सारे, ऐसे ही है। तो बिरयानी के क्या ही कहने, और मजे की बात जो बिरयानी की इनकी खीर है ना, बल्कि मैं खा भी रहा हूँ, ये भी बहुत मजे की है। बाकी एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपसे चैनल से रिलेटेड है, आप अपने साथ की जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, किस तरह कर लेते हैं आप, कैसे भेजेंगे आपको? गर्लफ्रेंड्स नहीं है वो, अननोन होती है, मैं कोशिश करता हूँ उनको बना लूं लेकिन वो बन जाती हैं एंड में, यार बस अल्लाह ने चेहरा ही ऐसा दिया। ये तो है अल्लाह पाक माशाल्लाह आपको इसी तरह हंसता वस्ता रखे और खुश रखे आप। थैंक यू सर। इजाज भाई अगर आप बुरा ना होने पतीला मैं ले जाऊँ आज अपने साथ, बिल्कुल ले जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आप ले जाए यार मेरा दिल, अल्हम्दुलिल्लाह आपने यकीन मानो ऐसा मैं दिल कर दिया, मैं दिल जा रहा उस पतीले के साथ ही सो जाऊँ जाके, अल्हम्दुलिल्लाह आप ले जाए कोई मसला नहीं, आपसे पतीला अच्छा नहीं है। लेकिन यार बहुत शुक्रिया इजाज भाई, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत जबरदस्त जायका, और आपके जो खुलूस दिल है ना वो बहुत बड़ी बात है। 3 दिन तक खुशबू नहीं जाएगी पेट से अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दिन तक खुशबू नहीं जाएगी, खुशबू नहीं जाएगी ऐसा जायका अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई कादरी वर्सेस गौसिया, ठीक है, अब ये बताओ कि कादरी बिरयानी जो है वो कितने नंबर देने वाले? कादरी को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। तो गौसिया के बारे में क्या? गौसिया को यार मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा, गौसिया मुझे नॉर्मल लगी। खाते हुए तो बड़ी तारीफ कर रहे थे यार, खाते हुए मैंने इतनी तारीफ नहीं करी, लेकिन जब मैंने कादरी का पहला ही बाइट लिया ना, यकीन मान मुझे ऐसा लगा जैसे बिरयानी की ना बिरयानी के ताजमहल में चला गया हूँ। बोटियों के मामले में आपको कौन बेहतर लगा, गौसिया या कादरी? बोटियों की तादाद के मामले में मुझे गौसिया सही 19-20 कह सकते हैं आप, गौसिया तो नहीं मैं कहूँगा, 19-20 का फ़र्क था यार। मैं एक बात बोलूँगा कि कादरी के हवाले से, कादरी को जर्दे पर थोड़ा काम करना चाहिए, जर्दा उनका बस ना नॉर्मल था, जर्दा मुझे इतना ख़ास नहीं लगा भाई। कादरी बिरयानी जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं है, गौसिया बिरयानी जो है मीडिया पर ज़्यादा है, लेकिन कादरी बिरयानी की जो मार्केटिंग है ना वो पब्लिक करती है उसके जायके की वजह से, तो गौसिया बिरयानी जो है ना वो भाई सोशल मीडिया हाइप है। गौसिया की सोशल मीडिया पे हाइप ज़्यादा है, कादरी की हाइप थोड़ी कम है, लेकिन मैंने अभी जो मेहरान भाई को देखा और मेहरान भाई ने बोला कि यार मैं डेली आने वाला बंदा हूँ कादरी पे, सही है, कादरी ने तो मुझे खुद इतना बड़ा फ़ैन कर दिया कि हो सकता है मैं भी वीकली बेसिस पे कादरी पे आऊँ यहाँ पे लाजमी। है कि आप इसको ये कह लें कि दोनों ही बेहतर थे, सही है, क्वांटिटी में आप ये नहीं कह सकते थे एक ज़्यादा एक कम है, दोनों ही बेहतर हैं।
प्राइस तो दोनों के हाई हैं भाई, ये बात है, लेकिन कराची की मशहूर बिरयानी है भाई। मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, ईस्ट और वेस्ट कादरी नली इज़ द बेस्ट, बस ये फाइनल हो गया। ठीक है, इस मुकाबले में जो जीता है ना वो है कादरी नली बिरयानी। मैं इसको दूंगा 10 out of 10। और आप यकीन मानो, अभी भी जायका मुँह में आ रहा है, यकीन मानो। वसीयत को मैं दूंगा 10 out of 8।